पर्यावरण संबंधी विभिन्न मुद्दे, विभिन्न आयाम, विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद अब हम पर्यावरण से जुड़े अंतिम मामले पर, लेकिन कोई कम महत्वपूर्ण नहीं, उस पर आते हैं, और वो है मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी के मायने क्या हैं, क्या अर्थ है मूलवासी का? मूलवासी को 1982 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषित किया। उसने उसकी परिभाषा दी, मूलवासी किसे कहेंगे। उनके अनुसार मूलवासी ऐसे लोग उनके वंशज जो किसी देश में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, जो किसी क्षेत्र में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, उन्हें हम मूलवासी कहेंगे। समय के साथ साथ उन देशों में किसी दूसरी संस्कृति के लोग आए और मूलवासियों को अपने अधीन कर लिया। ऐसा कई जगह हुआ है कि दूसरी संस्कृति के लोग, जैसे भारत में ब्रिटेन के लोग आए, भारत में मुस्लिम लोग आए, तो और भारत की संस्कृति पर एक तरीके से उन्होंने हावी होने की कोशिश की। ऐसा ही अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। धीरे धीरे ये लोग जो वहाँ के मूल निवासी थे, ये अपने क्षेत्रों से हट जाते हैं और जंगलों में और पहाड़ियों में जाके बस जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों से हटकर, क्योंकि दूसरी संस्कृतियाँ आ गईं, वो दबाव बनाने लगी, तो उससे परेशान होकर ये लोग विस्थापित होते हैं और पहाड़ों में जंगलों में बस जाते हैं। बाद में ये लोग कालांतर में जब वहाँ चले जाते हैं तो आने वाली संस्कृति या परंपराओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के बजाय अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज और अपने सामाजिक आर्थिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मूल निवासियों के संबंध में। ये मूल निवासी वो होते हैं जो पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं और जो नई संस्कृति आई है उसके हावी नहीं होने देते, उसको अपने पर हावी नहीं होने देते, उसमें वो ढल नहीं जाते, उससे वो संघर्ष भी नहीं करते, बल्कि वहाँ जाकर, ऐसे क्षेत्रों में जाकर, अंदरूनी इलाकों में जाकर अपनी परंपराएँ, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी आर्थिक शैली, इसको बनाए रखते हैं, अक्षुण्य बनाए रखते हैं। जंगलों या पहाड़ों में ये ढकेले गए जो मूल निवासी हैं, ये अपनी भाषा भी बचाए रखते हैं और इस प्रकार कई सौ वर्षों से ये अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्य जनसंख्या से अलग हो जाते हैं क्योंकि वो अंदरूनी इलाकों में चले गए हैं और इसके कारण आधुनिक नहीं हो पाते, आधुनिक संस्कृति इनको नहीं छूती, आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से दूर रहते हैं और इनके तौर तरीके वही पुराने रहते हैं, अपनी पुरानी शैली से ही जीवन यापन करते हैं। इसीलिए समय समय पर मूल निवासी अपने अधिकारों की कई बार मांग करते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि मूलवासी किसे कहते हैं। दूसरा, मूलवासी अपनी जीवन शैली यथावत बनाए रखते हैं, जैसी अक्षुण्य बनाए रखते हैं, जैसे कि उनके वंशजों की सी। तीसरा, ये समझौता नहीं करते आधुनिकता से, नई संस्कृति से, नए विचारों से, बल्कि अपनी पुरानी परंपराओं में ही रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए कई बार, कभी कभी कुछ टकराव की नौबत आती है और इसलिए ये लोग आजकल कई जगह मूलवासी लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं। जिनके अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले ये मान चाहते हैं कि हमारी पृथक पहचान बनी रहे, हमें एक अलग समुदाय के रूप में जाना जाए, मान्यता दी जाए, ये इनकी पहली मांग है। दूसरी मांग कि देश में जो भी विकास हो रहा है, देश का जो भी लाभ मिल रहा है, उस लाभ का कुछ हिस्सा इनको भी मिले, इनकी भी भागीदारी हो, अर्थात देश के विकास में या विकास से होने वाले लाभ में ये अपना हिस्सा चाहते हैं।
तीसरा, मूल वासियों को विश्व में एक तरीके से बराबरी का दर्जा मिले, ऐसा इनकी मांग रहती है। और चौथा, आर्थिक संसाधनों का दोहन इनके क्षेत्रों में ना हो। मूल निवासी जहां रहते हैं वहां किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियां ना हो जिससे कि संसाधनों का दोहन हो जाए। तो ये चार मांगें इनकी मुख्य रूप से हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर एक खाका खींचा गया है और उसका शीर्षक है आपकी पुस्तक में, पानी में तूफान, जनता परेशान। इसमें आप देखेंगे कितने तरह के मुद्दे उठाए गए हैं जिनका संबंध पानी से है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे मत्स्य गमन हो, बांध निर्माण हो, स्वच्छ पानी की आवश्यकता हो, आदि आदि। ऐसी तटीय मुद्दों को लेकर भी बहुत सारे बिंदु यहाँ बताए गए हैं और क्या क्या प्रयास हुए हैं, क्या क्या किस तरीके से इनका विरोध हुआ है, इसको एक बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है। आवश्यकता है कि आप इस पर एक सरसरी नज़र डालें और समझने की कोशिश करें जो इसके शीर्षक से स्पष्ट है, पानी में तूफान, जनता परेशान। भारत के साथ साथ विश्व के अन्य क्षेत्रों में कितने मूल निवासी होंगे जो इस तरीके से परिभाषित किए गए हों, तो इनकी संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान से करीब 30 करोड़ है। 30 करोड़ जनता विश्व में मूल निवासी के दायरे में आती है। अब ये मूल निवासियों का विश्व राजनीति से क्या ताल्लुकात है? फिलीपींस के कोरिलडेरा क्षेत्र में 20 लाख मूल निवासी, चिली में मापुरो में करीब 10 लाख मूल निवासी, एक बहुत बड़ी संख्या है, बांग्लादेश चटगांव में 6 लाख मूल निवासी, और उत्तरी अमेरिका में भी मूल निवासी थे जिसे हम रेड इंडियंस के रूप में भी कह सकते हैं, रेड इंडियंस। तो अमेरिका में मूल निवासियों की संख्या लगभग 3.5 लाख और अन्य क्षेत्रों में भी है। सोवियत संघ में भी ऐसे लोगों की आबादी करीब 10 लाख है जो लोग मुख्य धारा से अपने को काट लिए हैं, अपनी पुरानी परंपराएं संस्कृति में रह रहे हैं। दूसरे जो सामाजिक आंदोलन है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उसकी तरह मूल निवासी भी इन क्षेत्रों में अपने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। उनका एक अपना एजेंडा है, उनका एक अपना कार्यशैली का तरीका है जिसके तहत वो सरकार जनता पर दबाव बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनकी चार मुख्य मांगें हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण मांग है कि विश्व बिरादरी में वो बराबरी का दर्जा चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें किसी तरीके से दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाए। उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कि उन्हें मूल निवासी परिभाषित करते हुए एक कुछ इस तरह के नज़रिए से देखा जाए मानो वो सेकेंड ग्रेड सिटीज़न हो। बराबरी के दर्जे की मांग विश्व स्तर पर इन मूल निवासियों द्वारा लगातार उठ रही है। मध्य दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत, भारत में जहाँ इन्हें हम मूल निवासियों को क्या कहते हैं, आदिवासी या जनजाति, यहाँ पर इनकी मांग बार बार उठती रहती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में
हजारों सालों से ऐसी कई प्रजातियां हैं जिन्हें हम मूल निवासियों की शैली में रखते हैं, माइक्रोनेशियन वंश, पॉलीनेशियंस और ऐसी मेलनेशियन, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियां हैं। भारत में इन्हें आदिवासी कहें या भारत में हम इन्हें जनजाति कहें। भारत में जो मूल निवासी हैं उनको हम अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। ये कुल जनसंख्या का भारत के करीब 8% है। यदि हम 1911 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की, तो लगभग 8% जनसंख्या 133 करोड़ में इन मूल निवासियों की है। और इन मूल निवासियों ने कई तरह के आंदोलन किए, हम इसके विस्तार पे नहीं जा रहे हैं इन आंदोलनों के, लेकिन कुछ आंदोलन बड़े प्रसिद्ध हुए जिनके नाम जानना आपको ज़रूरी है। पहला है नागालैंड में खासी आंदोलन, चिन्हित किया है। दूसरा कुका आदिवासी आंदोलन। तीसरा ये जाति विद्रोह का आंदोलन था। तीसरा संथाल आंदोलन, मध्य भारत में कोलियार आंदोलन, उसी क्षेत्र में मुंडा, बिरसा मुंडा के द्वारा जो संचालित था आंदोलन, भूमिज आदिवासी जाति विद्रोह, और बस्तर के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे आंदोलन हुए जो मूल निवासियों के द्वारा शोषण के खिलाफ थे। तो इस तरह के आदिवासी आंदोलन पूरे विश्व में होते रहे हैं और भारत भी अछूता नहीं रहा है। आखिर मूल निवासियों को अपने अस्तित्व के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? जो चार तरह की मांगों का मैंने जिक्र किया है, उस मांगों की ज़रूरत क्यों पड़ी? और मूल निवासियों का मुद्दा स्वयं एक कैसे मुद्दा बन गया है, और वो भी पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण से मूल निवासियों का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि ये सारे मूल निवासी जिनकी संख्या मैंने बताई लगभग 30 करोड़, ये लोग अंदरूनी इलाकों में हैं, जंगली इलाकों में, पहाड़ियों में हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा विकास के नाम पर पर्यावरण का क्षय हो रहा है। इसलिए मूल निवासियों से संबंधित एक मुद्दा इस अध्याय में जोड़ा गया है। मूल निवासियों के अधिकारों की बात करें तो हम जानें कि वे किस तरह के खतरे महसूस करते हैं। इनके खतरों की ओर नज़र डालें तो पहला, अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों और कृषि पर ये लोग निर्भर रहते हैं, परंतु विकसित देशों द्वारा विकास के नाम पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्खनन के नाम पर, इनकी जो प्राकृतिक संसाधन है, इनकी जो कृषि योग्य भूमि है, उसका ये दोहन बारंबार कर रहे हैं, उसका वो उपयोग करने लगे हैं, इनके द्वारा दखल दिया जाने लगा है, जिसका ये मूल निवासी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन यापन को खतरा पैदा हो गया। पहला बिंदु। दूसरा, मूल निवासियों के द्वारा सतत संघर्ष तो किया जा रहा है, कई जगह शांतिपूर्ण, कई जगह हिंसात्मक भी हुआ है, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण, अपनी लिमिटेड संख्या के कारण, ये कुछ ज़्यादा दबाव कई बार नहीं बना पाते सरकार पे। और क्या होता है परिणाम?
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के कारण, सरकार के दबाव के कारण ये लोग विस्थापित हो जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसका इनका इनका जो दूसरा बड़ा खतरा है वह पलायन। बारंबार आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र एक तरीके से भागना पड़ता है, अपनी पैतृक अपने वंशों वंशजों के द्वारा सिंचित की गई ज़मीन को छोड़कर ये नई ज़मीन की खोज में निकलना पड़ता है। और वहाँ भी वही कहानी दोहराई जाती है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या रिसोर्सफुल पावरफुल लोगों के द्वारा की जाती है। खैर, इस सब के बावजूद, इनकी सीमित संख्या के बावजूद, इनकी सीमित आवाज़ के बावजूद, मूल निवासियों को हित के रखकर भी, मूल निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर, विश्व मंच पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ में और भारत में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के कुछ उपाय किए गए हैं समय समय पर। हम एक नज़र मूल निवासियों की रक्षा पर किए जाने वाले उपायों की ओर भी डालें। 19वीं शताब्दी तक औपनिवेशिक काल था, यानी कॉलोनीज का काल था, और ये दृष्टिकोण ज़्यादा चलता था कि आदिवासी एक असभ्य समुदाय है, क्योंकि जो साम्राज्य अपने को वहाँ पे स्थापित करता था वो वहाँ के मूल निवासियों को बड़े हीन दृष्टि से देखता था, और एक असभ्य समुदाय मानते हुए उनको बड़े कड़े तरीके से नियंत्रित करता था। आधुनिक मापदंडों के अनुसार उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया जाता था और इसकी ज़रूरत समझी जाती थी, लेकिन स्थिति बदली है। अब उन्हें हीन दृष्टि से उस हद तक नहीं देखा जाता जिस हद तक वो 19वीं शताब्दी में देखा जाता था। थोड़ा दृष्टिकोण में बदलाव आया है, बेहतर के लिए बदलाव आया है। अब ये दृष्टिकोण मान्यता प्राप्त कर गया है, ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया सब जगह स्वीकार कर लिया गया है कि वे जिस रूप में हैं उसी रूप में सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की उनकी रक्षा की जाए, उन्हें परिवर्तन करने के लिए, अपने संस्कृति को बदलने के लिए, अपनी भाषा बदलने के लिए, अपनी जीवन शैली बदलने के लिए उन पर दबाव बनाना अनुचित है। तो दूसरी ओर इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकारों में, लोगों में ये सोच घर कर गई है कि इनको संरक्षण की ज़रूरत है। इनके जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनकी जो आर्थिक शैली है, राजनीतिक अधिकार हैं, इसकी रक्षा की जाए, उनके परंपरागत अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाए। सांस्कृतिक पहचान, उनकी जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसे अलग बनाए रखने का, जस का तस, यथावत बनाए रखने का प्रयास किया जाए, ना कि उन्हें असभ्य मानते हुए सभ्य बनाने का, तथा कथित रूप से सभ्य बनाने का प्रयास किया जाए। इसलिए वर्तमान में, आज की तारीख में, मूल निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने की मान्यता मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा उस पर नज़र डालें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1972 में मूल निवासियों की पहचान के लिए एक कार्य दल गठित किया था। किन्हें मूल निवासी माना जाए, किन्हें माना जाए कि वो इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन संस्कृति से आए हुए लोग हैं, और ये जो कार्य दल था उसने कुछ मापदंड निश्चित किया, कुछ आधार बनाया, और उस आधार के तहत उसने पूरे विश्व के देशों से विभिन्न देशों से आदिवासी समुदाय, मूल निवासियों की पहचान का प्रयास किया, और इससे काफ़ी बड़ी सहायता मिली इस मापदंड के तहत। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रयास था, उसके कार्यदल का ही प्रयास था कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहते हैं, उसमें मूल निवासियों के अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, अर्थात मूल निवासी क्या चाहते हैं इसे लिखित रूप देकर उसे महासभा ने स्वीकार किया वैश्विक स्तर पर। और ये जो उनकी जो ये घोषणा पत्र है, उसमें 46 बिंदु हैं, 46 अनुच्छेद हैं, पैराग्राफ हैं।
इस घोषणा में क्या कहा गया है? मूल निवासियों को अपनी पहचान बनाए रखने तथा अपनी परंपराओं और संस्कृति के अनुसार राजनैतिक और अन्य संस्थाओं की स्वतंत्र अन्य संस्थाओं की सदस्यता स्वीकार करने ना करने का अधिकार उन्हें दिया गया, यानी स्वतंत्र माना गया उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। उसके साथ दूसरा कदम संयुक्त राष्ट्र, पहला कदम तो ये हो गया कि उसने आइडेंटिफाई किया कार्यदल के माध्यम से, दूसरा घोषणा पत्र, तीसरा इस बात की स्वतंत्रता उनको दी कि वे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो उचित करते हैं कर सकते हैं, उसका अधिकार है, चौथा उनके अधिकारों के हनन के लिए जांच समिति बैठाई। यदि किसी क्षेत्र में मूल निवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों पर दखल हो रहा है, तो एक जांच समिति बनाई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। पांचवा, इनसे संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक परमानेंट कमेटी भी बनाई गई, एक स्थायी समिति भी बनाई गई जो सन 2000 में बनाई गई। 2000 ईस्वी में एक स्थायी समिति मूल निवासियों की समस्याओं को जानने, उनकी समस्याओं पर विचार करने और उसका निराकरण करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा जो कुछ संधियां संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, जलवायु परिवर्तन संबंधी, जैव विविधता संबंधी, इन संधियों में उनके अधिकारों का उल्लेख है। इन संधियों के करने के दौरान ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मूल निवासियों के जीवन यापन में इन संधियों के कारण किसी तरह का दखल ना हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1989 में मूल निवासियों के अधिकारों के लिए एक समझौता लागू करता है। इसमें स्पष्ट है कि उनकी एक अलग पहचान है, यानी स्वीकार किया गया कि उनकी पहचान एक अलग है और प्रत्येक देश द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। क्योंकि लेबर मजदूरों में बहुत से आदिवासी भी आने लगे और उन्हें विवश किया जाने लगा कि वो मुख्य धारा में आएँ, तो ऐसा ना करने की हिदायत देते हुए कानून बनाने का दबाव ILO ने विभिन्न देशों पर डाला है और जो सफल भी हुआ है। तीसरा, विश्व बैंक, 1991 में एक समझौता इसके द्वारा होता है जिसमें इस बात का बल है कि मूल निवासियों की विशेषताओं को रेखांकित किया जाए, हाईलाइट किया जाए और उनकी जो अपनी अस्मिता है, उनका जो अपना स्वयं का जो अपनी संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए सारे प्रयास किए जाएं। चौथा और अंतिम, मूल निवासियों की अधिकारों की रक्षा के लिए कई अन्य प्रयास होते हैं, जैसे आर्कटिक काउंसिल, मानवाधिकार आयोग, गैर सरकारी बहुत सारे संगठन जो आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। मूल निवासी विश्व परिषद का गठन किया गया है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एबोरिजिन्स, ये गैर संस्कारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है और इस संस्था का गठन 1975 में ही कर दिया गया था, जहां आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो संस्था है सतत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के विभिन्न सरकारों से बातचीत करती है, सतत रूप से विचार विमर्श करती है। ये एक वैश्विक परिषद है, वैश्विक काउंसिल है। निष्कर्ष ये है कि मूल निवासियों के सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो अब मान्यता प्रदान कर दिया है। उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी और खिलवाड़ एक तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इन अधिकारों को अब व्यावहारिक जामा पहनाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी तो मैंने बताया कि मूल निवासियों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, जनजाति को लेकर कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। संविधान में प्रावधान किया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जरिए संवैधानिक प्रावधान है, इनकी अधिकारों की रक्षा के लिए
जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है और बहुत से अन्य क्षेत्रों में इन्हें विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। अध्याय की समाप्ति के बाद बिना प्रश्नों के अध्याय का अध्ययन पूरा नहीं माना जाएगा और इसीलिए यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखे जा रहे हैं जो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानार्जन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस क्रम में 5 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण के क्या मायने हैं? पर्यावरण के क्या मायने हैं? पर्यावरण के विभिन्न आयाम और पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालें, अर्थात आपको पर्यावरण की परिभाषा देनी है, पर्यावरण के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर आपको बिंदुवार लिखना है और साथ ही कितने प्रकार के पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं इस पर आपको संक्षिप्त में लिखना है। ये हुआ प्रश्न 1। प्रश्न 2, पर्यावरण जैसा विषय राजनीति विज्ञान में क्यों शामिल किया गया? कारण लिखें, या पर्यावरण का विश्व राजनीति से कैसे सरोकार है, इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इस प्रश्न में आपको बताना होगा कि पर्यावरण एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है इस पर विस्तार से हमने चर्चा की है। आपको बिंदुवार उन बिंदुओं को लेना है और ये साबित करने का अंत में प्रयास करना है कि इस प्रकार इन कारणों से पर्यावरण का मामला, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का हल किसी क्षेत्र या राज्य या किसी समूह द्वारा नहीं किया जा सकता अकेले, बल्कि इसमें पूरे वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संक्षिप्त में वर्णन करें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का बिंदुवार वर्णन करें, अर्थात इसमें आपको 1960 के दशक से जो समझौते हुए हैं अभी तक उस पर आपको संक्षिप्त में लिखना है और मूलतः इसमें उन 4-5 सम्मेलनों का जिक्र करना है जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुई और जिसमें कुछ ऐतिहासिक मसले सामने आए। इसके साथ ही आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और कुछ ऐसे अन्य मंचों की भूमिका पर भी प्रकाश डालना है जिन्होंने पर्यावरण क्षय के मामले में कई प्रयास किए हैं। पर्यावरण के मामले में विकसित देश और विकासशील देश, इन दोनों के बीच में मतभेद के कारण स्पष्ट करें। विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में पर्यावरण के मुद्दे को लेकर हो रहे मतभेदों का उल्लेख करते हुए एक लेख लिखें। जब भी लेख की बात होती है वो बिंदुवार होते हैं, हर बिंदु का एक शीर्षक होना आवश्यक है जिसे हम सब टाइटल कह सकते हैं, हेडिंग होना आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर विकसित और विकासशील देशों के बीच में हो रहे मतभेद का जिक्र करना है और इस प्रश्न का जो दूसरा अंग है वह है विकसित विकासशील देशों के बीच की राजनीति ने किस प्रकार पर्यावरण मुद्दे के निराकरण में बाधा पहुंचाई है, इसे एक पैराग्राफ देते हुए और लिखें। चौथा प्रश्न, विश्व राजनीति में भू राजनीति
पर्यावरण के संबंध में भू राजनीति पर ये बताने का प्रयास करें कि भू राजनीति एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उसके विभिन्न आयाम हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, विश्व राजनीति में संसाधनों की भू राजनीति को लेकर आपको इसमें उत्तर लिखना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तीन चार मुद्दों को लेकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जे, दबाव, अपनी सरकारें बैठाने आदि का प्रयास किया जाता है और इसके परिणाम क्या हैं। और अंतिम प्रश्न है, भारत में किए जा रहे भारत में किए गए विभिन्न जन आंदोलनों का जिक्र करते हुए चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। चिपको आंदोलन के कारण, घटनाक्रम और उसके परिणाम, उसके प्रभाव पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इस प्रकार इन पांच प्रश्नों के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है।